देश में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इस कड़ी में काशीपुर एसपी अभय प्रताप सिंह ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काशीपुर में एसपी अभय प्रताप सिंह ने अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम में सबसे पहले परेड की सलामी ली गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। एसपी अभय प्रताप सिंह ने सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन दिवस की जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल 1944 को आजादी से पहले मुंबई से एक जहाज रुई के गट्ठे, गोला बारूद, अन्य सामान लेकर जा रहा था, जिसमें अचानक आग लगने से फायर ब्रिगेड के 66 जवान आग बुझाते समय शहीद हो गए थे, जिनकी याद में 14 अप्रैल को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, आज फायर सर्विस डे है और ये परंपरा 14 अप्रैल 1944 से शुरू है, जब मुंबई पोर्ट पे एक जहाज जो कि कुछ माल के साथ जिसमें गोला बारूद, वही सोने के लट्ठे, इस तरह की चीज़ें थी, किसी कारण से उसमें आग लग गई। तो ये आग धीरे धीरे पोर्ट से लेकर के अन्य जगहों पर भी फैलने लगी। उस समय जो उपलब्ध कर्मी थे हमारे देश के, जिन्होंने जो साथ में काम पाने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से वो सारे के सारे लोग गोला बारूद में आग को जाने से नहीं बचा पाए और विस्फोट में 66 जो हमारे फायर कर्मी थे वो शहीद हो गए। सब कुछ बलिदान दिया, उन्हीं की याद में फायर सर्विस डे मनाया जाता है। इसमें उस होने वाली जोखिम को एक नज़ीर मान के और हमारी तरफ से ये लगातार एक सप्ताह तक अभियान चलाया जाता है, आज उन वीर सपूतों को याद करते हुए और लोगों को इसमें मैक्सिमम अवेयर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बहुत जरूरी है फायर के प्रति जागरूकता से ही हम पहले गए बचाव। कई बार हड़बड़ी में या जागरूकता के अभाव में या कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, डर के मारे हम उस चीज़ को डील नहीं कर पाते और धीरे धीरे चीज़ें फैलती जाती हैं और उसमें जोखिम बड़ा होता है। तो हम इसमें जो भी हमारे स्कूल हैं, जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है जहाँ पे सिंगल निकासी है, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को अवेयर करेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक सिलेंडर से लेकर के और जो भिन्न भिन्न प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं उनको माध्यम से उनको भी हम ट्रेन करने का प्रयास करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।